नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का पीएम 29 फरवरी को करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे भी तैयार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगभग 450 करोड़ की लागत से जबलपुर जुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार है। गुरुवार यानी 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अन्य निर्माण कार्यों का भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी को होने जा रहे इस लोकार्पण को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया है। नई टर्मिनल बिल्डिंग में रहेगी ये सुविधा। एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग में आधुनिक चेक इन काउंटर्स, दो बैगेज बेल्ट, एलिवेटर्स, एस्केलेटर, आधुनिक पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म सिग्नल्स, डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, बैगेज स्कैनर, चाइल्ड केयर रूम, वीआईपी रूम, स्नैक्स बार, एटीएम, चिकित्सा सुविधा के साथ ही पब्लिक एमिनिटीज की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही 300 कारों की पार्किंग एवं वीआईपी व बस पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रनवे भी जबलपुर में। नई टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक एवं फायर स्टेशन कार्य भी किया गया है। साथ ही रनवे एवं एप्रन का निर्माण हेतु वर्तमान 1988 मीटर के रनवे मरम्मत के साथ ही एक्सटेंशन करते हुए 2750 मीटर का रनवे बनाया गया है, जिससे A320/321 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से अब लैंड हो सकेंगे। इसी के साथ नाइट लैंडिंग में अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। 2750 मीटर लंबे रनवे के साथ प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा, जबकि प्रदेश का सबसे लंबा रनवे इंदौर विमानतल का रनवे है जो 2754 मीटर लंबा है। वहीं भोपाल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2744 मीटर की है। मंत्री राकेश ने लड़ी लंबी लड़ाई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 2004 में जब वो पहली बार जबलपुर लोकसभा से चुनकर आए थे तो उस समय जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था, जो दंश की तरह चुभता था। और उस समय उसका बड़ा कारण था जबलपुर में मजबूत कनेक्टिविटी का ना होना। साथ ही कनेक्टिविटी में भी हवाई सेवा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और जबलपुर में उसी समय जो हवाई पट्टी थी उस पर जानवर चारा करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद बनने के बाद उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए, तभी एयर डेक्कन की शुरुआत देश में हुई और मैंने एयर डेक्कन के चीफ कैप्टन गोपीनाथ से मिलकर जबलपुर में एयर डेक्कन की नियमित उड़ान प्रारंभ कराई और उसके बाद स्पाइस जेट, किंग फिशर एलायंस एयर, इंडिगो और जूम से बात करके उड़ान प्रारंभ कराई और उसका परिणाम हुआ कि जबलपुर सीधे तौर पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।